Hey everyone, welcome back to my channel Indian Blogger Rimpa. और as you know, मैं हूँ रिम्पा. So आज है संडे एंड आज है मदर्स डे ऑल्सो. सो हैप्पी मदर्स डे एवरीवन. आप सब खूब इंजॉय कीजिए. एंड तो हम लोग आए हैं बाहर, थोड़ा एक पार्क है इधर, तो उधर एक्सप्लोर करने आए हैं. तो वही जा रहे हैं. बच्चे इज्जत कर रहे थे पार्क जाना है मम्मी, तो पार्क लेके आए हैं उसके पापा आज. तो चलिए आप भी हमारे साथ. तो पार्क आज बंद है. इधर पास ही में एक इको पार्क है, थोड़ा बड़ा ही है, शायद हम गए नहीं हैं, लेकिन बाहर से लगता है. तो बच्चे का सबका मन दुखी हो गया है, अब क्या ही करें, बंद है, पता नहीं क्यों. तो चलिए अभी थोड़ा सा फिर चलते हैं दूसरे कहीं जगह. तो उन लोगों को भी मन खुश रखना जरूरी है, तो एक माँ के लेके आते हैं. ऑफिस का गाड़ी है ना वो लोग भी. पार्क तो बंद है ऋषि का, अभी कहाँ चलोगे? कोई बात नहीं. कहाँ जाओगे? मॉल जाओगे? तो हम आए थे ट्रेंड्स में शॉपिंग करने, और ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी थी. रेड कलर में है, बहुत सुंदर है, बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये नहीं बैठ रही थी. बहुत पसंद आई थी, फिटिंग्स बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, बट क्या करें, हाइट के अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं लग रहा था मेरे ऊपर. तीन कुर्ती मैं ट्रायल करने के लिए ले गई थी, उसमें से दो मुझे पसंद आया था, एक ये और एक ग्रे कलर का. तो मैं ग्रे कलर का जो सूट है वही ले ली थी. तो हम गए थे ट्रेंड्स, फिर से मॉल गए थे, और ये हस्बैंड ने खरीद के दिया है. अच्छा, शिकार बाबू क्या कर रहे हैं? थोड़ा पीछे देख रहे हैं. तो अभी हम चल रहे हैं घर, फ्रूट्स लेंगे कुछ, कल ऋषिका का स्कूल है, उसके बाद घर चलेंगे. अभी क्या ही करें, पार्क बंद है, सब कुछ बंद है यहाँ पे. वाटर शो भी जैसे सोच रहे थे, तो वाटर शो भी अभी बंद है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है इधर. तो अभी हो गया है छोटा मोटा, मतलब शॉपिंग मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन हस्बैंड करवाए हैं. तो अभी चल रहे हैं घर. गए हैं हम घर, और यहाँ रास्ते में सो गया था. तो ऐसा ही होता है, आप कहीं पे अगर जाते हो ना, मतलब बच्चे के साथ, तो आपका कोई प्लान के मुताबिक नहीं होता है. हम लोग सोचे थे चलो पार्क में नहीं जा पाए, थोड़ा बच्चों को खाना वाना खिला के घर लेके आएंगे. तो फिर मॉल गए, मॉल से निकलते ही यहाँ जो है सो गया है, तो उस हालत में कैसे ही जाएंगे. तो घर आ गए हैं, और रास्ते में हस्बैंड मोमोज लेके आए हैं. ऋषिका आती है, चली गई है खेलने मोमोज खा के. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले रही हूँ पंडित, क्योंकि गर्मी में ना आत्मा को भी शांति मिलती है ग्लूकॉन्डी वगैरह पीने से. मशो और जाबा में हूँ दर्ज, उसके साथ मोमोज. बहुत ज़्यादा गर्मी है, और कहीं पे जाओ आप तो इतनी ज़्यादा थक जाते हो, आके ग्लूकॉन्डी नहीं पियोगे तो आपकी शायद बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहेगा, इसलिए ग्लूकॉन्डी पी रही हूँ. यहाँ पे मार्केट में एक दुकान बाजार है, मतलब शॉप है सॉरी, मोमोज की, खासकर मोमोज और स्प्रिंग रोल वगैरह, चिली पनीर भी मिलती है. बहुत अच्छा मोमोज बनाती है, और उनकी चटनी इतना टेस्टी बनता है ना.
सो शाम के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। मोमोज खा के मैं थोड़ा पार्क चली गई थी फ्रेंड्स के साथ, ऋषिका को बुला के लेके आई। फिर आके बिहान थोड़ा सा जग रहा था तो मैं उसके साथ सो गई, तो पता नहीं 5-10 मिनट के लिए सही सो गई। और थोड़ी देर पहले अभी उठी हूँ और जितना भी थोड़ा बहुत किचन का काम था वो कर ली हूँ। सोचा कि ब्लॉग तो कर रही थी, ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो मॉल से आज मैं लेके आई हूँ एक सूट जो कि हस्बैंड ने एज मदर्स डे मुझे गिफ्ट किया है। बहुत प्यारा सा है, एक मैं ट्रेंड से ली हूँ, बहुत ही सुंदर सा है, ग्रे कलर में है, ग्रे एंड वाइट। ये मुझे लगता है तोशुर जो बोलते हैं ना वो कपड़े का है। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं जाके एकदम मुझे पसंद आया, तो मैं एक बार हस्बैंड को बोली कि देखो ये अच्छा लग रहा है ना, तो बोले हाँ अच्छा लग रहा तुम ले लो। वैसे मैं सूट जल्दी से पसंद नहीं करती हूँ, बहुत चूज़ी हूँ। मतलब वेस्टर्न कपड़ा तो मैं जैसे तैसे पहन लेती हूँ, बट सूट वगैरह मैं बहुत चूज़ करके पहनती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है तभी मैं खरीदती हूँ। और मेरी जो फ्रेंड है उनके लड़के का बर्थडे आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं दो टी शर्ट लेके आई हूँ फ्रेंड से। सो वैसा है। और एक उठने के बाद मैं ऋषिका को थोड़ा सा पढ़ा रही थी क्योंकि कल उसका स्कूल है, सो और होम वो ट्यूशन भी जाती है तो उसका भी होमवर्क वगैरह था वो मैं करवा रही हूँ। और बिहान खेल रहा है और हस्बैंड संडे का मतलब जितने भी कपड़े धुलते हैं वो सब जो प्रेश करना रहता है वो प्रेश कर लिए हैं। एक्चुअली ये संडे को बहुत हेल्प करते हैं हस्बैंड, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, अगर पूरे हफ्ते को टाइम मिले तो करेंगे मुझे पता है, बट इधर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, तो संडे को थोड़ा बहुत कभी कभार मिल जाता है तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। थोड़ा क्या, बहुत हेल्प करते हैं। और अभी हम लोग डिनर करेंगे, तो दोपहर में मैं चिकन बनाई थी एंड राइस बनाई थी, वो सारा कुछ है ना, खा नहीं पाए थे। और फिर बहुत सारा काम भी है, मुझे वॉशिंग मशीन आज लेट चलाए थे संडे को। एक्चुअली हम लोग सुबह ही चला लेते हैं, 11 बजे में हमारा कपड़ा सूख भी जाता है, बट आज 2 बजे तक लाइट ही नहीं था। हम बाहर निकलेंगे उससे पहले थोड़ी देर पहले लाइट आया, तो तब वॉशिंग मशीन चलाए हैं, वो भी कपड़ा सारे पड़ा है, मतलब सुखा लिए हैं, घूमने गए थे सुखाने बाहर दिए थे, आके उठाए हैं, तो वो सब फोल्ड करना है। और मैं मेरे हस्बैंड की टी शर्ट पहनी हूँ, बहुत अच्छा लगता है ऐसा टी शर्ट। हमारा टीम है मेरा, बेस्ट एवर डैड और बेस्ट एवर मॉम एंड बेस्ट एवर डॉटर था, जब हम लोग मतलब तीनों थे तब का है ये। बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन मंगवाए थे। सो अभी डिनर करेंगे तो चलिए किचन। और उस रूम में ना बिल्कुल आवाज़ नहीं आता, अभी पंखा चलता है तो आवाज़ आपको कम ही आएगा और एक घड़घड़ सा आवाज़ आएगा। तो यहाँ पे मेरा चिकन गर्म हो रहा है और तवा बिठाई हूँ, और बिहान के लिए मुझे एक रात को रोटी बनाना पड़ता है तो वो इसलिए, और हमारा चावल है वो मैं दिखाती हूँ चिकन का कलर कितना प्यारा आया है, बहुत टेस्टी बना था। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ऋषिका का हैंड राइटिंग। सो मैं दिखाती हूँ ऋषिका का हैंड राइटिंग, जो ऋषिका भी सेकेंड स्टैंडर्ड में है, अभी जस्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में आई है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। सो उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, कभी भी मैं एफर्ट नहीं डालती हूँ हैंड राइटिंग के ऊपर, बट हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर है ना। सो दिस इज़ आवर रात का खाना, तो हम चलिए डिनर कर लेते हैं। चलो खिला देंगे, अभी खिला देंगे। सो खाना खाने के बाद हम आए हैं थोड़ा वॉकिंग करने, और अभी का वेदर बहुत अच्छा है, कूल हो रखा है, दिन में तो बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा वॉकिंग करके हम घर चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए किसी ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।